ये है ग्राउंड नट यानी मूंगफली का रिफाइंड ऑयल और ये है ग्राउंड नट का वुड प्रेस ऑयल। दोनों के न्यूट्रिएंट्स और लुक में गहरा अंतर है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों का हमारी सेहत पर भी गहरा अंतर पड़ता है। रिफाइंड ऑयल इतना ट्रांसपेरेंट क्यों है और वुड प्रेस ऑयल ऐसा क्यों दिखता है, ये जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, ये सामने है खाने के तेल कुकिंग ऑयल और मेरे साथ है संदीप सिंह जी, कच्ची घानी तेल के एक्सपर्ट और कुकिंग ऑयल के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। आज ये आपको बताएंगे कि जो रिफाइंड ऑयल है और जो कच्ची घानी का तेल है या एक्सपेलर का है, उसमें क्या फर्क है। हम अच्छी सेहत के लिए रिफाइंड ऑयल यूज तो करते हैं, पर वो रिफाइंड ऑयल कितना बड़ा नुकसान कर रहा है इसकी जानकारी देंगे संदीप जी, और कच्ची घानी का तेल में क्या फर्क है ये भी बताएंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपकी आंखें खुलने वाली हैं कुकिंग ऑयल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि भी हम कुकिंग ऑयल जो यूज़ करती है मेरी माताएं मेरी बहनें, वो कौन कौन से तरीके के ऑयल हम यूज़ करते हैं घर में। जनरली हम रिफाइंड एक्सपेलर से निकला हुआ तेल और कच्ची घानी का तेल। अब इनमें फ़र्क क्या है, इन तेलों में सबसे बड़ा फ़र्क है प्रोसेस का, ये किस प्रोसेस के थ्रू निकाले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की। अब रिफाइंड ऑयल जो है, इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये ग्राउंडनट के, दोनों ग्राउंडनट के ऑयल हैं मूंगफली के तेल। आप खुद देख सकते हैं कि भी इनमें फ़र्क जो दिखाई दे रहा है साफ, ये ट्रांसपेरेंट है, जो केमिकल से ट्रीटेड होकर डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड होकर ऑयल निकला है, और ये शुद्ध कच्ची घानी से निकला हुआ तेल है, जो स्लो आरपीएम पे, जो बैलों से चलने वाली जो घानियाँ थी उसकी स्पीड से निकला हुआ तेल है। आप अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आप देखिए आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। आप डिफरेंस देखेंगे कि ये गाढ़ा है दिखने में और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंट होने का सिर्फ एक ही रीजन है, जो इसकी प्रोसेस है वो प्रोसेस केमिकल से ट्रीटेड होकर, जिसमें हेक्सिन नामक एक पेट्रोल का बायो प्रोडक्ट होता है और ब्लीच होता है, फिर उसके बाद उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, और उसको फिर बोतलों में पैक करके आपकी रसोई तक पहुंचाया जा रहा है। जो आप यूज़ कर रहे हैं आपको अंदाज़ा नहीं है इसके कितने नुकसान है। इसका अगर नुकसान आपको जानना है तो सभी माताओं बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार जाके रसोई में चेक कीजिए, जो आपके घर पे गैस के ऊपर जो चिमनी लगी हुई है उस पर हाथ लगा के देखिए, वो आपको चौक मिलती है। एक और मैं इसके रिगार्डिंग एक स्टडी बताता हूँ। अमेरिका में रेस्टोरेंट में सिर्फ अपना ये रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ किया गया, उसके बाद कुछ समय बाद देखा गया जहाँ वो बर्तन धोते थे उसकी पाइपों को देखा गया, तो देखा कि उसमें जो पाइप थी वो चौक हो चुकी थी। अब आप देखिए, जो हमारे किचन के पाइप को चोक कर सकता है, जो काफ़ी मोटी होती है, तो हमारी जो दिल की जो हमारी जो आर्टरीज हैं उसको ब्लॉक करने में इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसी वजह से हमारे यहाँ पर हार्ट अटैक की समस्याएं काफ़ी हो रही हैं। ये जो तेल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गाढ़ा है और शुद्ध है, क्यों? क्योंकि हम जो ये तेल निकाल रहे हैं, हम ये इसी मशीन से बिल्कुल निकाल के और सीधा पैक कर देते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह कुछ नहीं मिलाते हम। इस केमिकल ट्रीटेड से जो ऑयल बन रहा है और इस शुद्ध कच्ची घानी की जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बना हुआ तेल में दिन रात का फर्क है। इसको स्मेल करेंगे तो इसमें मीठी मीठी ग्राउंड जो मूंगफली की है वो अरोमा आता है, और इसको पियेंगे तब भी आपको इसमें मूंगफली का अरोमा आएगा। बट इसमें आप इसको स्मेल कीजिए, आपके घर में रसोई में होगा जरूर, एक बार जाके देखिए इसमें क्या मूंगफली की स्मेल आ रही है, क्या इसको टेस्ट करके देखिए क्या इसको मूंगफली का टेस्ट आ रहा है, ये आपको खुद ही आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगाएं टेस्ट करके भी इसमें उसमें डिफरेंस क्या है। एक तेल और आपको दिखाता हूँ जो मार्केट में बहुत ही कॉमन मिल रहा है, वो है सोयाबीन का तेल। सोयाबीन का तेल आप भी सब जानते हैं, जो सोयाबीन की बीज है वो हमारे दलहन की खेती में के रूप में आता है, जो हम दालों के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें हाई प्रोटीन होता है और बहुत ही कम मात्रा में ऑयल इसमें से निकलता है, वो भी केमिकल ट्रीटेड करेंगे इसको तब जाके इसमें से तेल निकलेगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि भी जो केमिकल से प्रोसेस तैयार है ऑयल है वो सोयाबीन का तेल नहीं हो सकता। और जो आप देख रहे हैं इसमें की ट्रांसपेरेंसी, आप मेरा हाथ आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि भी इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो कोई भी क्रिस्टल क्लियर चीज़ होगी वो एक केमिकल ट्रीटेड होके ही बन सकती है। अब आप बात करते हैं हम जो सरसों का तेल है जो कॉमनली यूज़ होता है हमारी रसोई में, ये वो तेल है जो हम नॉर्मली मार्केट से लेके आते हैं, जो एक्सपेलर का तेल है, ये बहुत ही हीट होके निकलता है और इसमें कुछ प्रकार की मिलावटें की जाती है, जिसमें से सबसे कॉमन है पाम ऑयल की मिक्सिंग,
और पाम ऑयल की मिक्सिंग वो आप इसमें डालते हैं और इसको सस्ते में चक्कर में इसको बेचने के लिए वो आपके यहाँ तक परोसा जाता है। ये देखिए डिफरेंस, ये शुद्ध कच्ची घानी से तैयार किया गया काली सरसों का तेल है और ये इसी मशीन से निकाला गया है जो स्लो स्पीड में है और लकड़ी की मशीन से क्रश किया गया है और ठंडा तेल है। ये तो हमने बात की काली सरसों के तेल की, और दूसरा सरसों हमारा आता है पीली सरसों का। पीली सरसों का मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, ये पीली सरसों का तेल है, ये मार्केट का पीली सरसों का तेल है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हैं इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट हम बहुत खुश होकर खाते हैं। और आपको मैं आप कच्ची घानी से तैयार किया हुआ पीली का तेल, सरसों का तेल दिखाता हूँ, आप इसमें डिफरेंस देखिए। और सबसे जो कॉमन यूज़ होते हैं हमारे में किचन में वो है सरसों का तेल और ग्राउंडनट का। आप तीनों में फ़र्क देखिए जो आपको नज़र आ रहा है कि भाई ये थोड़े से गाढ़े रंग में हैं, ये बिल्कुल कुछ लाइट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कुछ ये लाइट कलर में है। इसके बाद फिर एक और किचन में हमारे में यूज़ होता है वो है कोकोनट का। कोकोनट का जो मार्केट में आता है वो है मिनरल जो ऑयल्स होते हैं उसमें, जैसे जो पेट्रोलियम का बायो प्रोडक्ट है उसमें कोकोनट में मिलाया जाता है, उसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है, फिर हमारे यहाँ रसोई में हम उसको यूज़ करते हैं। जो हम कोकोनट बनाते हैं ये देखिए, अब इसका फ़र्क देखिए, ये बिना किसी मिलावट के शुद्ध सन ड्राइड कोकोनट, जो सूरज की रोशनी में जिसका पानी सुखाया गया है और नेचुरल लाइट में इसको रखा गया है, और इसी मशीन से आप जैसे पीछे देख रहे हैं इसी मशीन से सीधा इसमें बिना केमिकल के, बिना हीट के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना फिल्ट्रेशन के हम ये कोकोनट ऑयल बनाते हैं। आप डिफरेंस कैसे पता करेंगे, आप कोकोनट लीजिए, उसको कच्चे को आप स्मेल कीजिए, और फिर आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसकी स्मेल कीजिए, क्या आपको प्योर कोकोनट की स्मेल आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब जो आप ऑयल ले रहे हैं वो मिनरल ऑयल से बना हुआ है और केमिकल ट्रीटेड किया गया हुआ है। आप इस ऑयल को जब आप खोलेंगे, इसको यूज़ करेंगे, एक तो सबसे बड़ी बात मैं जो हमारे कच्ची घानी ऑयल्स की मैं आपको बताता हूँ, वो आप हाथ पे लेंगे, आप उसको रब करेंगे तो आपकी स्किन उसको ऑब्जर्व कर लेगी, बट जो ये ऑयल हैं आप इनको अपनी स्किन पे लगाइए, बिल्कुल चिपचिपाहट आपको लगेगी। इसी वजह से हमने ये यूज़ कर करके अपने धीरे धीरे अपनी लाइफ से चिपचिपाहट के कारण जो केमिकल ट्रीटेड है उसी वजह से हम अपने को निकाल रहे हैं, कारण सिर्फ रिफाइंड है। अगर आप ये ऑयल्स यूज़ करेंगे और ये ऑयल्स यूज़ करेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिपचिपाहट नज़र नहीं आएगी। अब सबसे बड़ा एक सवाल आप लोग पूछते हैं कि भाई इसमें रेट में डिफरेंस क्यों है? रेट में डिफरेंस होने का सिर्फ दो कारण है। सबसे पहला कारण, जो कंपनियां निकाल ये ऑयल बनाती हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल पर बनाती हैं और उनका जो प्रोसेस है निकालने का वो केमिकल ट्रीटेड है। जो ये 100 किलो मूंगफली जैसे वो लेंगे तो इस 100 किलो मूंगफली में से कम केमिकल ट्रीट करके 50 किलो तक ऑयल निकाल लेते हैं। दूसरी कंपैरेटिवली हम देखेंगे लकड़ी की कोल्हू से, जो लकड़ी का कोल्हू से हम तेल निकालते हैं, मैक्सिमम हम एक दिन में मूंगफली के 100 किलो में अगर हम डालते हैं तो 100 किलो में से सब सिर्फ हम 25 से 30 किलो तेल हम एक लकड़ी के कोल्हू से 100 किलो मूंगफली से निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमारा पूरा दिन का लेबर चार्ज, और उसके बाद फिर जो खर्चे हैं, अदर एक्सपेंस हैं। दूसरी बात, फिर एक चीज़ मैं आपसे एक और बोलना चाहूँगा कि ये अगर आप ऑयल खाएँगे तो आप अवश्य ही डेफिनेट डॉक्टर के जाएंगे, वहाँ अपना पैसा वेस्ट करेंगे। ये अगर आप ऑयल खाएंगे तो ये आपको स्वास्थ्य देगा, आपको काम करने की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा देगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भी जहाँ ये आप 4 चम्मच यूज़ लेंगे ये सिर्फ आपका 2 ही चम्मच यूज़ होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भी आप ये ऑयल इस्तेमाल करें और अपना स्वास्थ्य और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो दोस्तों, जैसा संदीप जी ने बताया कि रिफाइंड ऑयल में और कच्चे घाने के तेल में दिन रात का अंतर है। जैसा नाम रिफाइंड, तो वो बिल्कुल रिफाइन हो जाता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं, फैटी एसिड ज़्यादा बचते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल तेल है कच्ची घानी से निकले हुए, ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हैं। देखने में थोड़े गाढ़े लगते हैं, आजकल चमक का जमाना है इसलिए ये देखने में सुंदर आपको लग रहा होगा, परंतु न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ये है। तो इस तरह आपको यदि शुद्ध तेल चाहिए, कच्ची घानी से निकला हुआ तेल या कोल्ड प्रेस का तेल लीजिए, और अगर आपको सिर्फ फैटी एसिड से भरा हुआ तेल चाहिए तो फिर रिफाइंड ऑयल उसका विकल्प है। और आपको बता दें कि ये वीडियो निशुल्क बनाते हैं हम, कोशिश इतनी है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीज़ें मिले। अगर आपको शुद्ध तेल चाहिए तो संदीप जी का नंबर दिया है, इनसे संपर्क करके तेल मंगवा सकते हैं, क्योंकि इनका तेल जिन लोगों ने भी यूज़ किया है उनके बहुत अच्छे रिव्यू आए हैं, तो शायद आपको भी तेल अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।